जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहे बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 15 पुरुषोत्तम प्राप्ति योग श्लोक 4। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ओम गीता 4। श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सब के पुरुषोत्तम प्राप्ति योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कहत बाड़न कि अर्जुन ई पूरा सृष्टि श्रीमन नारायण से उत्पन्न भइल बा, उही भगवान हवे। ई संसार में मूर्त आत्मा जौन भोग भोगेला और उ भोग से मूर्त आत्मा की रुच ई सब लगातार जारी रहेला। ई सब के मूल कारण श्रीमन नारायण हवे। यही से मनुष्य के उ श्रीमन नारायण के शरण लेवे के चाही, तबे उ ई बंधन से मुक्त हो जाई और परम धाम के प्राप्त कर पाई, जहाँ से उ फेर कबू इस संसार में ना लौटी। ई कह के श्री कृष्ण परमात्मा ई साफ कर रहे बाड़े कि हमनी के जन्म मरण के चक्र और सांसारिक वृक्ष से मुक्ति पावे खातिर ही उनका शरण लेवे के चाही। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पावे खातिर श्री कृष्ण परमात्मा के शिक्षा के ध्यान, श्री कृष्ण परमात्मा श्रीमन्नारायण के समर्पण और श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के श्लोक के रूप में दोहरावे के चाहिए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जे के मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के अपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाही। आप सब कृपया इन्हन के अपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाही कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास हुआ कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम 1 श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा,
हे श्रीमन्नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित वा। हे श्रीमन्नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन विहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन्नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम उइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन्नारायण करशे वचनम त्वा। श्रीमन्नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन्नारायण। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ओम। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम के अपेक्षा रहला। एकरा खातिर आइए रोजाना एक मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई जो www.narayanashram.org है और पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कैल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम्बा, ये तीनों के मिलके नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत पुराण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा जौन हर एक दिन ऐस करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन्नारायण।